हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो है टी ग्रिड सीलिंग पे। और इस वीडियो में मैं आपको टी ग्रिड सीलिंग के बारे में चैनल्स की सभी डिटेल्स बताऊंगा और कैसे इंस्टॉल होती है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं टी ग्रिड सीलिंग के बारे में। ये है मेन एंगल। ये है वॉल एंगल। ये होता है 1 इंच बाई 1 इंच का। और ये इसमें फिक्सिंग के लिए इसको लगेंगे स्क्रू 8x35 के। और ये पीवीसी गिट्टी, दोनों को लगा के फिक्स करेंगे इसके साथ। ये हम इसको ना एक साथ पहले से टाइमिंग की सेविंग करने के लिए इसके साथ हम इसमें पहले ही कस के रख लेंगे। सबको एक साथ करने के बाद अब हम करते हैं वाटर लेवल के निशान लगा लेंगे। और वाटर लेवल को निशान के लिए हमें एक धागे की जरूरत पड़ेगी, जिसपे नील के साथ हमने मार्क करने के लिए धागे को ब्लू कलर में किसी में डिप करके उसे गीला कर लेंगे, ताकि एकदम सीधा निशान आ सके वॉल पे। पहले वाटर लेवल करेंगे पाइप के थ्रू, किसी पाइप में पानी भर लेंगे और उसके साथ वॉल पे निशान ले लेंगे। अब उसके साथ जो साइज हमने लिए हैं, साइज लेने के बाद ये सीलिंग है 8 फीट बाई 5 फीट की। इसके साथ हमने वॉल एंगल की कटिंग कर ली है। ये 1 इंची बाई 1 इंची का जो वॉल एंगल है, इसको दीवार पे फिक्स करेंगे हम वाटर लेवल के निशान के साथ साथ। उसी के साथ ये अब हमने दूसरा भी साइज काट लेंगे, दोनों साइड का, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड का। दोनों साइड के वॉल एंगल को सेम साइज पे, जो भी वॉल का साइज आया है उसको साइड में नाप लेंगे। हो सकता है किसी दीवार में आपकी थोड़ा बहुत फर्क रहे। अब सपोज ये 8 फुट है यानी 96 इंच है, तो दूसरी वाली तरफ आपका कम या ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये हैमर के साथ हमने ड्रिल करना शुरू कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली ये जो ये टाइल जो टूटी है, एक्चुअल में ये मसाला ना होने की वजह से गुची है। इसमें टाइल के पीछे सीमेंट नहीं लगा हुआ था, इस वजह से ये टाइल टूट रही है। और ये हमारी साइड में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ पे सीमेंट्स में टाइल्स में काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है पीछे बैक टाइल में। इसलिए आप लोग जब भी खुद ध्यान रखें, अपने घर में टाइलिंग करवाएं और उसके बाद सीलिंग की करानी हो, तो टाइलों के पीछे से सीमेंट का प्लास्टर मसाला जरूर अच्छे से ठीक से लगवाएं, तभी टाइल लगवाएं। ये एक्चुअल हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं जिसमें यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अब सारी तरह इसको ड्रिल कर देंगे अच्छे से। ड्रिल करने के बाद अब इसमें हम वो स्क्रू जो हमने टाइट किए थे 8x35 के, वो स्क्रू के साथ इसको फिक्स कर देंगे। पूरा चैनल ऐसे ही फिट कर देंगे, सभी जगह स्क्रू जहां पे ड्रिल किया वहां सभी जगह स्क्रू के साथ, पीवीसी रोल प्लग के साथ। अब ये दूसरी साइड का वॉल एंगल फिट करें। पहले दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड पहले वॉल एंगल फिट करेंगे। बट वॉल एंगल जब लगाएं आप, तो वॉल एंगल को खास तौर पे ध्यान रखना आपने, वाटर लेवल का जो निशान है जो हमने ब्लू धागे के साथ मार्क किया था, उसके साथ हमने उसको बिल्कुल एज टू एज मिला के उसके साथ ही फिक्स करना है। अगर ये आपका वॉल एंगल ठीक नहीं लगा होगा तो पूरी सेलिंग आपकी तिरछी दिखेगी। या फिर ग्रिड, जब ग्रिड फिट के अंदर टाइल फिट करेंगे तो उसमें गैप नजर आएंगे नहीं तो आपके। ये जो सीलिंग हो रही है 2x2 की टाइल्स वाली जो सीलिंग होती है, इसको ग्रिड सीलिंग बोलते हैं।
वो फिटिंग कर रहे हैं ये सीलिंग की। इसमें कई टाइप की सीलिंग्स होती हैं। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये सीलिंग, ये GI टाइल की सीलिंग है। इसमें मेटल की 2x2 की टाइल होती है। आमतौर पे जो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं वो 2x2 में आर्मस्ट्रॉन्ग या जिप्सम बोर्ड टाइल जो होती है वो कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअल में ये है, यहाँ पे स्लाब की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे GI टाइल को प्रेफर किया गया है। चारों तरफ से हमने वॉल एंगल फिट कर लेना है। अगर आपका जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा पीस रह सकता है आपका भी, तो वहाँ पे एक छोटा पीस कटिंग करके जो साइज आपका बैलेंस बचता है उस साइज का पीस कटिंग करके आप वहाँ ड्रिल के साथ फिक्स कर सकते हैं। ये साइड में थोड़ा सा रह गया एक कॉर्नर पे, इसको भी हम यहाँ पे वॉल एंगल के साथ फिक्स करके लगा देंगे इसको ड्रिल के साथ। ड्रिलिंग जो करनी है वो अच्छे से आपने 6 mm का बिट लेकर उसको करीब आपने 2 इंच अंदर तक ड्रिल करनी है दीवार के। इसी तरह से अब दूसरी साइड, ये जो एरिया है ये बाथरूम का एरिया है, वॉशरूम है, ये वॉशरूम में सीलिंग की जा रही है। चारों साइड से ऐसे PVC रोल प्लग के साथ वॉल एंगल को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब ये जो कॉर्नर का हमारा जॉइंट रह गया था लगाने के लिए, इस जॉइंट को भी हमने जॉइंट उसका साइज का लेके, यहाँ पे ये करीब 8 इंच का जॉइंट था, इसको हमने ड्रिल के साथ यहाँ पे लगा दिया, इसको फिक्स कर देंगे। जॉइंट आपने जो लगाना है वो बिल्कुल एज टू एज स्मूथ कटिंग करके लगाना है ताकि आपका आपस में जॉइंट मिल सके। अभी ये सभी वॉल एंगल फिक्स होने के बाद अब हम सेंटर पार्ट पे काम करेंगे। सेंटर पार्ट में अभी हमने 4 फुट से छोड़ने के बाद उसके बाद एक टी ग्रिड लगा देंगे, इसको मेन एंगल भी बोलते हैं।
ये लगाने के बाद हर 600 mm के बाद अब हमने इसको एक टी ग्रिड और लगाना है 600 mm के बाद, हर 600 mm के बाद एक 4 फीट का यानी 48 इंचेस का ग्रिड लगाना है। इसको हमने 8 फीट तक लगाना, जितनी भी आपकी साइज हो सीलिंग का, हर 600 mm के बाद हर एक 4 फीट की ग्रिड को इंस्टॉल करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे अब ये सेकंड टी लगा रहे हैं, पहले एक साइड में लगाई राइट साइड, फिर एक लेफ्ट साइड लगाई, अब ये सेंटर पार्ट में तीसरी एक ये ग्रिड लगाएंगे आखिरी। अब इसमें हम इसके सेंटर में 600 mm 600 का ब्लॉक बनाना है, 600 mm बाई 600 mm का ब्लॉक बनाने के लिए इसमें हमने 600 mm की जो टी ग्रिड है उसको फिक्स करना है, 2 फुट वाली टी ग्रिड को। इसमें लॉक्स होते हैं, इसमें आपको लॉक करने की जरूरत, इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑटोमेटिक लॉक होते हैं ग्रिड में, सिर्फ आपको जस्ट क्लिप को ओपन करना है और क्लिप के अंदर बीच में इसको फिक्स कर देना है। सभी ग्रिड्स को अच्छे से टाइटली अच्छे से फिक्स करें और इसमें ये आखिरी ग्रिड 600 mm का 2 फीट यानी इसको भी हमने लगा देना है, ये भी फिक्स कर लग गया। लास्ट कॉर्नर में थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा गैप आ सकता है तो एक वहां पे डबल 400 mm की या कोई जो भी आपकी मेन एंगल भी लग सकता है उसको गैप कवर करने के लिए वो लगा सकते हैं आप। साइड वाला पार्ट जो हमारा रह गया था 8 फीट बाई 6 फीट का बाथरूम है तो उसमें हमारा 4 फीट अपने कवर कर लिया। अब रह गया हमारा एक साइड में 1 फीट का, 1 फीट को कटिंग करने के लगाने के लिए हमने 2 फीट वाले ग्रिड को हमने यहाँ पे 12 इंच की कटिंग करके साइज बना के ये ग्रिड हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। इसमें टोटल हमारे 4 ब्लॉक आ रहे हैं, 4 ब्लॉक में यानी हर एक में 600 mm के बाद सेंटर में 3 ग्रिड लगेंगी 12 इंच की। ये सब ग्रिड बराबर इक्वल अपने साइज पे ऑटोमेटिकली सेट आ जाएंगी, सिर्फ आपने लॉक देखना है लॉक कहाँ पे आ रहा है 600 mm का, और 600 mm का जहाँ पे लॉक होगा उस जगह पे लाके ग्रिड को फिक्स कर देना। ये बहुत ही इजी होती है टी ग्रिड सीलिंग, आप अपने घर में खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें किसी ज़्यादा प्रोफेशनली होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज से भी आप टी ग्रिड सीलिंग खुद से अपने आप कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी फ्रेंड्स पूरी सीलिंग की ग्रिड कंप्लीट हो गई है और ये सीलिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद ऐसे कुछ दिख रही है। फ्रेंड्स अक्सर ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी तो जिसकी वजह से मैंने इसको वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पहली में मैंने आपको ग्रिड लगाना बताया है, सेकंड में मैं आपको टाइल्स फिक्स करना बताऊंगा क्या टाइल कैसे फिक्स करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।